और इंसाफ की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं पुष्पा की ओर से नमस्कार आदाब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्रोताओं, हम हफ्तेवारी प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे बहुजन मूल निवासी आंदोलकों आंदोलनकारियों का परिचय। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर जब अन्याय अत्याचार होता है तब तक मानवता के लिए, समानता के लिए, आजादी के लिए समय समय पर महापुरुषों द्वारा आवाज उठाई जाती है। बौद्ध की क्रांति से शुरू होते हुए सिख क्रांति से लेकर अम्बेडकर फुले क्रांति तक सभी महापुरुषों ने अपने जीवन को कुर्बान करके आजादी की लड़ाई लड़ी है, समानता की लड़ाई लड़ी है। इन्हीं लड़ाई के बीच में, इन्हीं क्रांतियों के बीच में बहुत सारे ऐसे नायक है जिनके कुर्बानी से आप से लेकर आज भी लोग अपरिचित है, लोग नहीं जानते हैं उनका क्या योगदान है समाज को। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि देश के मूल निवासी नायकों में वो कौन कौन लोग शामिल है जिन्होंने योगदान दिया है इस देश में मानवता को बरकरार रखने में, और आज भी वो लड़ाई जारी है। श्रोताओं, हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं राजेश कुमार जी, जो है प्रेसिडेंट ऑफ विश्व मानवता सेवा संघ, हमारे रेडियो सब खालसा पे जुड़े हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ रेडियो सब खालसा पे जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पा जी। सर्वप्रथम मैं रेडियो खालसा के श्रोताओं को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु की खालसा। जी श्रोताओं, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो है radiovoiceofkhalsa.com। आप हमारा फेसबुक पेज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा, उसे भी लाइक करें। हर एक श्रोतागण और प्रत्येक मेहमान के विचार अपने अपने हैं। रेडियो वॉइस ऑफ खालसा का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। जो हमें सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए यूएसए से नंबर डायल कीजिएगा 5633993388। ऑस्ट्रेलिया से नंबर डायल कीजिएगा 02807251020। कनाडा से नंबर डायल कीजिएगा 6475571012। इसके अलावा जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो कनाडा और यूएसए का सेम नंबर है, 8886024740। भारत में सुनने के लिए रेडियो वॉइस ऑफ खालसा आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर डाउनलोड करके हमें सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हम आपसे रूबरू कराते हैं अपने मेहमान को, जो विषय को लेकर हाजिर हुए हैं उसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रधान है विश्व मानवता सेवा संघ के, तो नाम से ही हमें लगता है कि ये कोई ऐसी संस्था है जो मानवता के हित में काम करती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई है, क्या है इसके उद्देश्य, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे। हाँ जी जी पुष्पा जी, धन्यवाद। जैसा कि पुष्पा जी, मैं संघ के बारे में बताने के पहले मैं बताऊंगा कि मुझे प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई विश्व मानव सेवा संघ को बनाने के लिए या संस्था स्थापित करने के लिए। मैं, मेरा जीवन संघर्ष एक बचपन जो है मेरा ग्रामीण परिवेश से व्यतीत हुआ है, और उसी ग्रामीण परिवेश से मैंने ये देखा है भेदभाव, जातिवाद, ब्रह्मवाद इतना हावी है, मानवीयता को तार तार करता हुआ नहीं जाता। इसी मानवीयता को तार तार करते प्रेरणा प्राप्त हुई कि क्यों ना हम इस मानवीयता जैसी जिंदगी को दूभर होने से हम ऐसे लोगों को बचाएं। इसीलिए हमको बहुजन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त हुई, और बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को अध्ययन करने से एक मानवता के संदेश जगह जगह पहुंचाने एवं मानवता के लिए कार्य करने के लिए एक प्रेरणा प्राप्त हुई। उसी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ साथियों द्वारा, हालांकि मैं जन से ही रूढ़िवादियों पाखंडवाद का विरोधी रहा हूं, और जन से ही यह कहें कि हमारे जो मेरा जन्म जहां हुआ है वह मध्य प्रदेश के पुराने अभी विंध्य प्रदेश की रियासत हुआ करती थी एक अलीपुरा, वहां पे आज 1998 की स्थिति में भी आज भी इतनी अमानवीय प्रथाएं प्रचलित थी कि जैसे सामूहिक कुएं पे प्रवेश, सामूहिक नहाने में प्रवेश, दलितों को प्रतिबंध, ये सभी 1998 तक की स्थिति में ऐसी दयनीय परिस्थितियां थी। हालांकि जिनको कानून के द्वारा प्रतिरोध किया गया और वो सामूहिक उस पर प्रवेश प्राप्त हुआ, उसी तरह बहुजन महापुरुषों का जब जीवन अध्ययन करने पर
एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि ऐसा कार्य हम जगह जगह करें और अपने विश्व में हम शांति को स्थापित करें मानवता के माध्यम से। और मानवता विश्व में मानवता स्थापित करने के लिए हमको हमारी टीम को एक विश्व मानवता सेवा संघ की स्थापना को करना पड़ा जो अभी हाल ही में इसी वर्ष किया है और उसका रिस्पॉन्स ये देखने को मिल रहा है कि अच्छी जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और इसका मेन उद्देश्य मुख्य उद्देश्य हमने जैसे कि लिया है कि हमारे जो संगठन है वास्तव में काम तो कर रहे हैं लेकिन मेन लीड धरातल में काम नहीं हो रहा है। जो धरातल में काम होना चाहिए हमारे लोग प्रताड़ित हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा उनको नहीं प्राप्त हो रही है और असुरक्षा की भावना से ही हम पीड़ित हैं। इसलिए हमारा जो विश्व मानव सेवा संघ का मूल उद्देश्य है पहले सुरक्षा संघ की स्थापना करना, उसके बाद उपासक संघ और फिर विद्युत संघ का निर्माण। इन्हीं के माध्यम से, तीनों के माध्यम से हम समता मूलक समाज की रचना का मान्य मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं और विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। जी जैसा कि जी तो जिस तरह से ये जी जिस तरह से आपकी ये संस्था काम कर रही है तो इसका मैं जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि ये जो संस्था है इसके जो फॉलोअर होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं वो किस तरह से जमीनी लेवल पे काम करते हैं, कैंपस लगा के कैडर लगा के किस तरह आप लोगों तक पहुंचते हो। हाँ जी जी जैसा ही पुष्पा जी पहले मैं बता दूं कि इस संस्था के स्तर में जमीनी स्तर से जोड़ने का कार्यक्रम ये है कि हम ग्रामीण स्तर से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक ग्राम नगर तहसील ब्लॉक जिला स्तर पे हम 12 लोगों की कमेटी बना रहे हैं जिसमें 10 सदस्य हमारे 12 सदस्य 10 सुरक्षा गार्ड होंगे मेन। और जो हमारे लोगों पे जुल्म ज्यादती हो रही है तो उनकी रक्षा करेंगे एज ए पुलिस का वो काम करेंगे और उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। यदि सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे तो वो हमारे लोगों का उत्साह वृद्धि होगी और उत्साह वृद्धि के कारण वह अपनी असुरक्षा की भावना से बाहर निकलेगा और फिर अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकेगा। शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी और जागृति संबंधी भी, ग्रामीण स्तर पे भी, नगर स्तर पे भी, शहर स्तर पे भी। हमारा उद्देश्य मेन यही है कि हम बहिष्कृत समाज या उपेक्षित है कि पीड़ित है जो दलित है, अपाहिज है, कुपोषित है, दिव्यांग है, इन लोगों की हम आंतरिक एवं बाहरी दोनों सुरक्षा दें। आंतरिक सुरक्षा ये जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी है तो स्वास्थ्य संबंधी हम कैंप लगा रहे हैं उनके माध्यम से आंतरिक सुरक्षा हो सके। और बाहरी ये कि कोई दबंग यदि उनपे प्रहार करता है तो उनको हम अपने जो एक टीम खड़ी कर रहे हैं उसके माध्यम से उनको सुरक्षा उपलब्ध करा सकें। क्योंकि होता है कि हमारा जो प्रशासन है वो कंटिन्यू नहीं दे पाता है। सुरक्षा तो उपलब्ध कराता है लेकिन कंटिन्यू नहीं दे पाता, लेकिन हमारा जो स्वयंसेवी संघ होगा वो कंटिन्यू सुरक्षा उपलब्ध कराएगा जी। और उसके माध्यम से हम जो जगह जगह कैंप लगाएंगे, कैंप के माध्यम से रूढ़िवाद, पाखंडवाद, आडंबरवाद और बहुजन जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनियों एवं संघर्ष से अवगत कराकर उनको शिक्षा, समान शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाना और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना एवं आर्थिक हमारे एक समस्या पर ये भी है कि हमारा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत निर्धन है। अर्थ रूप से ही वो निर्धन होने के कारण भी प्रताड़ित होता है तो अर्थ रूप से निर्धन ना हो तो शासन की योजनाएं उन तक पहुंचे। और वो अशिक्षित भी होता है तो अशिक्षित होने के कारण उन तक जो शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं होती है उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये हमारी टीम उनको उन योजनाओं को उन तक उपलब्ध कराने का काम कर रही है और उन योजनाओं के माध्यम से जो उनको बेनिफिट हो रहा है तो उनका जो अर्थ और रोजगार संबंधी कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कंपटीशन कोचिंग करवाई जा रही है कंपटीशन कोचिंग के ताकि उनको रोजगार अच्छे प्राप्त कर सकें, नौकरियां प्राप्त कर सकें। ये हमारे इसके माध्यम से विश्व मानव सेवा संघ के माध्यम से कोशिश एक जारी है जिसके माध्यम से हम विश्व में एक शांति स्थापित करना चाहते हैं। जी पुष्पा जी 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 राजेश जी राजेश जी इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे नायक हुए हैं जो महापुरुष रहे हैं जिन्होंने समाज के हित में बहुत सारे काम किए हैं,
तो शुरुआत हम करते हैं सम्राट अशोक से कि सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। अभी हाल ही में 4 अप्रैल को जयंती मनाई गई है। उनकी महानता, उनके कार्य जरूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने समाज को क्या देन दी है, क्यों आखिर उनकी जयंती मनाई जाती है, इस बारे में कुछ बताएं। हाँ जी जी पुष्पा जी, पहले तो मैं पुष्पा जी महान सम्राट अशोक की 121वीं जयंती की आपको एवं रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के सभी श्रोताओं को बधाई देना चाहूंगा और उसके साथ में सर्वप्रथम महान सम्राट अशोक के संबंध में बारे बताने के पूर्व में इतिहास की भूमिका भी बताना चाहूंगा। जैसा कि ज्ञात हो भारत का इतिहास वास्तव में यदि कहा है तो वो सिर्फ बुद्ध धर्म और ब्रह्मवाद के बीच जाति संघर्ष का एक इतिहास रहा है। भारत के इतिहास के अनुसार भारत में सर्वप्रथम आर्यों का आगमन भारत आक्रमण के रूप में हुआ था और ये यहीं बस गए तथा अपनी संस्कृति को स्थापित कर लिया, परंतु यहाँ के मूल्यवासियों में एक नाग अनाग जाति थी जो शक्तिशाली लोग थे जिन्होंने आर्य पराजित नहीं कर सके और आर्यों ने नाग अनाग जाति से समझौता कर लिया। यही नाग अनाग जाति जो है जो वर्तमान में ज्ञात इतिहास प्राप्त होता है बिहार के मगध राज से 642 ईसा पूर्व में मगध का साम्राज्य, तो वो शिशुनाग के टाइम से प्राप्त होता है और शिशुनाग वंश 413 ईसा पूर्व तक शासन किया है। शिशुनाग वंश के ही को सम्राट महानंद जो महत्वाकांक्षी था शासन का, नंद ने हत्या कर उसकी और अपना नंद वंश को स्थापित किया जो 322 ईसा पूर्व तक चला। माना जाता है कि इन्हीं शिशुनाग वंश से संबंधित थी चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक, उनके वंशी थे जिन्होंने नाग साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और एक साम्राज्य को स्थापित करने में उपलब्धि हासिल की। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत ही सम्राट अशोक हुए हैं जिन्होंने अपनी विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। हालांकि अशोकावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी बताया गया है, इसमें कई भ्रांतियां हैं। अशोक की माता के संबंध में सुब्रदांगी भी कहीं मिलता है, कहीं ब्राह्मण की पुत्री बताया गया है इस ग्रंथ में, वहाँ पे उनका महाबोधि वंश में धम्मा बताया गया है, मतलब अलग अलग नाम बताया गया है। हालांकि जो उनका प्रचलित नाम अधिकांश इतिहासकारों ने माना है वो शुभदांगी को ही माना है। जो सम्राट अशोक का जन्म उस शुभदांगी से हुआ है वो 304 ईसा पूर्व में माना जाता है। सम्राट अशोक के रूप में जो अभी हमने हाल ही में जयंती जिनकी मनाई हुई है, इनको 273 ईसा पूर्व में उनके पिता बिंदुसार बीमार पड़े जब अशोक उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे और उन्हें पिताजी के रोग होने का जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ तो वो वहाँ से अपने पिताजी के पास आए, लेकिन उनको पिताजी की मृत्यु का शोक संदेश प्राप्त हो गया और वह विद्रोहों का सामना करते हुए विशाल साम्राज्य स्थापित करने में औपचारिक राज्य अभिषेक उनका हुआ 269 ईसा पूर्व में। 263 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध में तबाही मच गई। उस तबाही के कारण अशोक का हृदय मानवीयता हेतु द्रवीभूत हो गया और अशोक ने युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्यागने एवं धर्म के माध्यम से विजय पताका लहराने का संकल्प लिया। जी बिल्कुल, तो ये एक तरह से जो सम्राट अशोक थी उनका समाज के प्रति उनकी देन शुरू होती है और उनकी किस तरह से वो समाज को जागरूक करना चाहते थे उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी 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 पुष्पा जी, जैसा कि मैंने पढ़ा एक जगह कि एचजी वेल्स ने अशोक को विश्व का महानतम शासक कहा है, परंतु अशोक को महानतम साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार के कारण नहीं माना है उन्होंने उन्होंने माना है मानवीयता एवं नैतिकता की दृष्टि में। मतलब जो अशोक के नैतिक और मानवीयता के गुण थे वो प्रसिद्ध सिद्धांतों के कारण ही एचजी वेल्स इतिहासकार ने उनको महान सम्राट अशोक घोषित किया है। महान सम्राट अशोक स्वयं भी अपने आप में कहा माना करते थे कि राजा की प्रसिद्धि का महानता का मापदंड उसकी प्रजा के नैतिक उत्कर्ष या विकास ही होना चाहिए और अशोक ने सम्राट अशोक ने अपने समय में सामाजिक तनाव और संकीर्णता वादी झगड़ों को समाप्त करने अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न भागों में सौहार्दपूर्ण संबंध मानवीयता के संबंध स्थापित करने के लिए धर्म का सहारा लिया और उसी धर्म के माध्यम से
अब प्रश्न उठता है कि अशोक का धर्म है क्या। अशोक ने ही कहा है कि अब आसने वे बहु कथाने दया दाने सत्य सोचवे, अर्थात दुष्कार्यों से बचना, बहु कल्याण करना, करुणा बरसाना, उदारता दिखाना, सत्यता पर चलना, यही सब पवित्रता का मार्ग है। इसलिए अशोक का सारनाथ स्तंभ में सत्य में जैसे हमको प्राप्त होता है, जो सत्य की हमेशा विजय होती है, आज भी हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अशोक यदि धर्म का अशोक के धर्म का दूसरा पहलू यह भी था सुषमा जी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जो जगह जगह अशोक ने अपने स्तूपों एवं स्तंभों के माध्यम से निषेध एवं बहु कल्याणी जन संदेश प्रसारित किए, ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों में अपने संदेशों को प्रसारित किया। उन्होंने जगह जगह लिखवाया प्राणवान जंतुओं की हत्या नहीं करना, अस्तित्ववान जीवों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृक्षों की सेवा करना और गुरुओं का आदर करना, दातों और सेवकों से सम्यक व्यवहार करना, अल्प व्यय तथा अल्प संचय करना। ये अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से निषेध एवं तरह तरह के जन संदेश प्रसार किए, जिससे उग्रता एवं निष्ठुरता, क्रोध, लालच, घमंड व ईर्ष्या कभी न करना है, ऐसे भी उन्होंने निषेध संदेश भेजे ताकि आदमी मानवीयता में बंधे और मानवीयता में बनने के साथ ही वह एक पारिवारिक संबंधों में कठित हो जाए। मार्गों में बरगद के पेड़ भी लगाए ताकि उनकी छाया हमारे लोगों को प्राप्त हो और मानवीय मूल्य उससे प्रोत्साहित हो, मनुष्यों और पशुओं को छाया दे सके, कुएं बेर खुदवाए, पानी प्राप्त हो सके, धर्मशालाएं बनवाई, अनेक प्रकार के मानवीय कार्य किए। इन्हीं मानवीय कार्यों को ही सच्चे तौर पर वो धर्म मानते थे और इसी धर्म के माध्यम से उन्होंने मानवीय मूल्यों को स्थापित किया और अंततः उन्होंने बुद्ध धर्म को इन्हीं मानवीय मूल्यों के आधार पर बुद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म भी घोषित किया। जी पुष्पा जी, जी जी राजेश जी, तो राजेश जी सम्राट अशोक ने जो धम्म पताका को लहराया था, जो धम्म का संदेश दिया था, धम्म के संदेश का जो प्रचार किया था बौद्ध धर्म के बाद, तो उसमें जो हम बात करते धम्म की और एक धर्म की, तो क्या धम्म और धर्म दोनों ही अलग है? क्योंकि हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं या अशोका ने जिस धर्म का प्रचार प्रसार किया उस और आज जो हम धर्म की बात करते हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? हाँ जी जी पुष्पा जी, जैसा कि पुष्पा जी बाबा साहब ने बुक लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, उसमें बाबा साहब ने धर्म और धम्म के बारे में समझाया है, तथागत बुद्ध ने धम्म को बताया है और धर्म क्या है। धर्म एक्चुअल में उसमें बताया गया कि धर्म एक मजहब है जो अनिश्चित शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यह शब्द तो एक है परंतु इसके अर्थ बहुत हैं, अनेक हैं। धर्म बहुत सी अवस्थाओं से गुजरा है, हर अवस्था में ही उसकी मान्यता के अनुसार हम उसे धर्म कहते रहे हैं, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग धर्म मानते रहे हैं, धर्म मान्यताओं पर ही टिका रहता है, इसलिए धर्म की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है, ये हर समय में बदलती रही है। एक समय था जब बिजली, वर्षा या बाढ़ की घटनाएं आदि व्यक्तियों की समझ से परे था, उस समय इन सब पर काबू पाने के लिए टोना टोटका किया जाता था जिसे जादू कहते थे, और उसी जादू को उस आदिम मानव धर्म मान लेता था। लेकिन धर्म में जैसे विकास हुआ और इन सब से बाहर निकल कर आए, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाओं, बलि वाले यज्ञों को ही धर्म माने जाने लगा। प्रारंभ में शक्ति शैतान के रूप में मानी जाने लगी, उसी शैतान को बाद में शुक्र रूप भी दे दिया, मतलब इसको धर्म माना गया है। दुनिया को बनाने वाले ईश्वर को परमात्मा को मानने में धर्म आने लगा है। बहुदेववाद, आज हम वैज्ञानिक युग में आ गए हैं तो बहुदेववाद से कहीं ना कहीं हम एक देववाद पर आ गए हैं हालांकि, और आज हमारा वैज्ञानिक व्यक्ति हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई चलिए विविध देवी देवता नहीं है तो कम से कम एक ऐसी ईश्वरी शक्ति तो है कि जिस जो केंद्रित किए हुए है अपने आप में पूरी शक्ति को। ये एक्चुअल में धर्म की परिभाषा होता था, जबकि धर्म का प्रतिपादन तथागत बुद्ध ने किया जिसे तथागत ने धर्म से बहुत पृथक बताया है। जीवन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए तथागत ने धर्म माना है, एक्चुअल जीवन में जो पवित्रता को बनाए रखे, जीवन में पूर्णता को स्थापित करे, शारीरिक पूर्णता, वाणी की पूर्णता, मन की पूर्णता, इसको धर्म बताया है। निर्वाण प्राप्त कर सके यह धर्म बताया है, तृष्णा का त्याग हो वह धर्म है। धर्म को व्यक्तिगत चीज या वस्तु माना जा सकता है जो अपने तक सीमित रखना होता है, जैसे पूजा पाठ
ये सीमित अपने तक सीमित हो सकता है, जबकि धर्म एक सामाजिक वस्तु है, वो एक व्यक्ति के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। धर्म का मतलब ही सदाचरण है, मतलब जिसका तात्पर्य है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार करे। धर्म पूजा पाठ कर्मकांड तक सीमित रह सकता है, परंतु धर्म नहीं। यदि एक अकेला व्यक्ति है तो उसे धर्म की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन धर्म वह स्वीकार कर सकता है। धर्म स्वयं में अनुशासन है, का अनुशासन नहीं। इसलिए धर्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा और करुणा का मिश्रण ही धर्म है मैडम। और धर्म में नैतिकता की बजाय ईश्वर, आत्मा, प्रार्थना, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलि कर्म आदि को महत्व दिया जाता है, जबकि धर्म का सार नैतिकता पर आधारित है। और धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, धर्म एक्चुअल में सामूहिक है। संघ को अंगीकार करने का ही धर्म है। यदि हम एक से अधिक व्यक्ति हैं तभी धर्म की आवश्यकता, व्यक्तिगत धर्म में आवश्यकता नहीं है, जबकि धर्म व्यक्तिगत पूजा पाठ से बंधा हुआ है और वो व्यक्तिगत उसको मान लिया जाता है। जी राजेश जी, राजेश जी, जब सम्राट अशोक के बाद और भी बहुत सारे देश में ऐसे मूल निवासी हुए हैं, रेवोल्यूशनरी हुए हैं, जिन्होंने एक क्रांति की है, बहुत बड़ी बड़ी क्रांति की है समाज के लिए, उनके बारे में बताएं, ऐसे कौन कौन से बड़े रेवोल्यूशनरी हुए हैं। हाँ जी, ये जैसे कि सम्राट अशोक के समय पर भारत में ब्रह्म भारत एवं विश्व गुरु हुआ करता था, ज्ञाति होगा। अन्य देशों से, इस देश में विदेशों से यात्री पढ़ने आया करते थे। यहाँ के संस्थान विश्व में सर्वोच्च कोटि के हुआ करते थे, जबकि आज के परिदृश्य में देखा जाए तो देखिए, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट में आया था कि भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थान विश्व के 150 में भी स्थान नहीं पा सके। इतनी बुरी आज वो चलिए हमारे देश, आज कितने पीछे हम चले गए हैं सम्राट अशोक के बाद। तो ये क्यों, ये स्थिति को प्रकट कैसे हुई? एक्चुअल वास्तव में अशोक के बाद मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उन्हीं की हत्या उसमें सिंह द्वारा की जाकर और बुद्ध धर्म की क्रांति की प्रतिक्रांति प्राप्त हुई। और उस प्रतिक्रांति से हमारा जो वास्तव में योग्यता था वो उसको नष्ट किया गया, और बहुजन आंदोलनकारी तनय तनय मतलब लुप्त होते गए। परंतु समय समय पर बुद्ध के अंत उनमें शेष होने पर मानवतावादी आंदोलनकारी निकलते रहे हैं, जैसे गुरु नानक, संत कबीरदास, संत रैदास, नारायण गुरु, संत तुकाराम, ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब, कैरियर रामा स्वामी नायकर जी, साधगे बाबा साहब, मानवा कांतिराम साहब, कैरियर ललित सिंह यादव जी और दीना माना जी आदि कई हमारे मतलब समय समय पर इतने संत गुरु और महापुरुष समय समय पर निकलते रहे, जिनका एक ही आंदोलन रहा है मानवतावादी। और उस मानवतावादी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा जीवन को समर्पित कर दिया, और अपने जीवन को समर्पण के साथ साथ पूरा मानवीय मूल्यों के लिए लगा दिया। जी जी राजेश जी, राजेश जी आपने महापुरुषों की बात की है, तो अगर हम संत कबीरदास, संत रविदास जी की बात करें, तो उन्होंने किस तरह का रेवोल्यूशन किया, उन्होंने किस तरह से ब्राह्मणवाद पे चोट की थी और वो समाज को क्या संदेश देना चाहते थे, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी जी पुष्पा जी, जैसे कि अभी बताया पुष्पा जी की बहुजन समाज में बहुत आंदोलनकारी हुए हैं, उन्हीं आंदोलनकारियों में संत गुरु कबीरदास, संत गुरु घासीदास, संत रैदास जी का समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने प्रत्येक विषय पर अकाट संवाद ब्राह्मणवादियों से किया और सभी को परास्त कर समाज में मानवीयता एवं समता की लड़ाई हेतु बहुजनों को जागरूक किया है। और अंधविश्वास पर संत कबीरदास जी एवं संत रविदास जी ने बहुत कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बताया है, संत कबीरदास जी ने कहा है, पातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाची कोई ना पूजे जाको पीठ खाए संसार, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुभाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। मतलब इतने उन्होंने तंग कसे, इतनी धर्म पे चोट की। उन्होंने आगे कहा है, जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाप पूजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाए। मैंने देखा है पुष्पा जी इस माह में, एक्चुअली मैंने व्यवहारिक में भी देखा है, अनुभव भी किया है कि एक
बाप के चार बच्चे होते हैं और जीवित में वो चारों अपना उतरी बांधते हैं कि एक माँ मैं खिलाऊंगा, एक माँ मैं खिलाऊंगा, एक माँ मैं खिलाऊंगा, और एक दिन भी ज्यादा होता है तो वो तत्काल अपने पिताजी को दूसरे के पास कर देता है। लेकिन मृत्यु के बाद मैं ये देखता हूँ, अनुभव किया है कि उन चारों, यदि वो कहता है कि भाई तुझे कम काम नहीं करना तो तू मत कर, मैं तो करूंगा, मैं तर्पण करूंगा, मैं पिताजी को गंगा स्नान कराऊंगा, मैं इलाहाबाद ले जाऊंगा। ऐसी विडम्बना है हमारे समाज में, जबकि हमारे 500 साल पहले गुरु रविदास जी इसका कटाक्ष कट गए हैं, फिर भी हमारे लोग नहीं माने। इसीलिए उन्होंने आगे कहा, लाडू लावन लापसी पूजा चले अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मोछार। संत रविदास जी ने भी कहा है कि तोरू न पाती पूजू न देवा, बिन पत्थर जयदास करत है सेवा। उन्होंने एक होने को, बहुजन को संगठित रहने का संदेश दिया। उन्होंने जातिवाद का घोर खंडन किया। उन्होंने इसलिए एकजुट होने के लिए कहा है कि सत्संगत मिल रही माधो जैसे मधो मकीरा, मतलब समाज को ऐसे संगठित रहना चाहिए जैसे शहद की मक्खियां रहती हैं। ऐसा संदेश संत रविदास जी ने दिया है और पराधीनता को अस्वीकार करने के लिए भी उनने बगावत की है, हमेशा लड़ने की उनने समझाइश दी है। इसलिए उन्होंने कहा है पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत, पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत, मतलब पराधीनता पाप है इससे मुक्ति पाओ, और उन्होंने हमेशा लड़ने के लिए कहा है, समता की बात कही है। इसीलिए उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट भरे सब संबते हैं रैदास रहे प्रसन्न। इन्होंने जातियों में उलझे हुए लोगों को भी समझाया है कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खात है वेदास जात करो, जात जात में जात है जो केलन में पात, वेदत मानव ना जुड़ सके दोनों जात न जात। मतलब इन्होंने जातिवाद पर, पाखंडवाद पर, आडंबर पर इतनी कटाक्ष कथे, फिर भी हमारा समाज नहीं जाएगा। इसलिए संत रैदास जी ने जातियों को जोड़ने एवं मानवता को सर्वोपरि मान्यता देने के लिए कार्य किया। एक ज्योति थे जब समझे सब ऊंच नीच सतमान, वेदास मानव मानव एक ही नाम धरे ही चार, ब्राह्मण अरु चंडाल में वेदास नहीं अंतर जान। इसलिए रैदास जी ने आगे कहा है, वेदास ब्राह्मण बसी पूजिए जब हो वे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जब हो वे गुणहीन। मतलब समता मूलक समाज को बनाने के लिए उन्होंने जातिवाद को, भेद को मिटाने के लिए ऐसे उन्होंने जगह तरह तरह के मतलब संदेश प्रसारित किए, समाज में गए, समाज के प्रसार को, मानवीय मूल्यों को उन्होंने लड़ाई लड़ी, हमेशा उन्होंने आगे लड़ते रहे। और कहा है उन्होंने मानवीयता के लिए लड़े हैं, उन्होंने कहा है मैं रूखी सूखी खाऊं और अन्न की भूख मिटाऊं, तीन दुखी करी सेव माई लागी रहो रैदास। मतलब इसलिए रैदास जी ने भी तथागत बुद्ध की भांति अपना तीन वेदनाएं प्रस्तुत की है, जैसे तथागत बुद्ध ने आज सत्य बताए थे, इसी तरीके से संत रविदास जी ने भी तीन वेदनाएं बताई हैं, सुख वेदना, दुख वेदना, ना सुख वेदना और ना दुख वेदना। और तथागत बुद्ध ने जैसे ही सत्य के मार्ग को आष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बताया था, तो उसी तरीके से संत रविदास जी ने भी आष्टांगिक मार्ग को बताया और पंचशील का भी उसी तरीके पालन बताया। उन्होंने कहा जीव की हिंसा न करना चाहिए, किसी वस्तु के लिए लालच न करना चाहिए, एक स्त्री तथा एक पति का व्रत हमें हमेशा ग्रहण करना चाहिए, कभी असत्य ना बोलना चाहिए, शराब आदि मदक द्रव्यों के सेवन से हमें हमेशा व्रत रहना चाहिए। उन्होंने मतलब ऐसे पंचशील को अपनाया और तथागत बुद्ध के सिद्धांत पे ही उन्होंने अपना धर्म को भी निर्माण किया और उसी को मानवता के लिए उन्होंने संदेश को प्रसारित करके जगह जगह कैंपों के माध्यम से, जगह जगह प्रचार के माध्यम से उन्होंने मानवीयता का कार्य किया। ये पुष्पा जी। जी राजेश जी, राजेश जी इसी तरह आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे। और भी महापुरुष है, चाहे हम छत्रपति साहू महाराज जी की बात करें, ज्योतिराव फुले की बात करें, सावित्री बाई फुले की बात करें, इन सभी का समाज में योगदान है वो अनमोल है। किस तरह से योगदान है समाज में, क्या किया है समाज के लिए इन्होंने, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारा एक छोटे से ब्रेक का समय है, श्रोताओं द्वारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ये सुनते रहे रेडियो वॉइस ऑफ खालसा, हक सच की आवाज।
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਖੋਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਓਹੋ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਲਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਗਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 9062 ਯੂਐਸ ਹਾਈਵੇ 69 South ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕਲਾਹਾਮਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਵਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਵਰ ਵੀਪੀ ਫਿਊਲਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੰਦੂਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਗੈਲਨ ਫਿਊਲ ਭਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਵਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿੰਗਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9185483241 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੈਲਪ ਟੂ ਸਰਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰੱਕ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਨੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜੀ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਹ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਰਮਿਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨ ਟਾਈਮ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ USD.MC ਨੰਬਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਨ ਟਾਈਮ ਐਕਟਾ ਵਾਲੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 214-790-0835 214-790-0835 ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰੱਕ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਟਾਇਰ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੈਟ ਕੈਟ ਟਾਇਰ ਵੈਲਡਿੰਗ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਖਰਚਾ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ 1501 ਵੈਸਟ ਚਾਰਟਰ ਵੇ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 209-215-4000 209-215-4000 ਖਰਚਾ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਓਹੋ ਕੀ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿਟੀ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵਾਓ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਟ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਕਾਲ 9179576467 ਔਰ ਈਮੇਲ ਐਟ mera1passion@gmail.com ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਅਸ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਲਸੋ facebook.com/mera passion ਇਸ਼ਨੂਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਨੀ ਚੋਂ ਕੋਇਨਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਇਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਕਨੀ ਚੋਂ ਦਸਵੰਤ ਕੰਡਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਦਸਵੰਤ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ
और इंस्टाफ की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं राजेश जी को, जो है प्रेसिडेंट ऑफ विश्व मानवता सेवा संघ। आज हमारे साथ लाइन में जुड़े हैं मूल निवासी बहुजन आंदोलनकारियों के परिचय दे रहे हैं, उनके जीवन यात्रा के बारे में बता रहे हैं। राजेश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करते इसी मूवमेंट को आगे अगर हम लेके जाते हैं तो उसमें ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले, इनका भी एक बहुत बड़ा नाम आता है, समाज में एक योगदान आता है। कहते हैं कि जो तीसरी रेवोल्यूशन, तीसरी क्रांति हुई थी बुद्ध के बाद, फिर संतों की क्रांति के बाद, उसके बाद अम्बेडकर फुले क्रांति को बहुत महत्व दिया जाता है, तीसरी बड़ी क्रांति मानी जाती है, तो इनका क्या योगदान रहा है ज्योतिराव फुले जी का और सावित्री बाई फुले जी का समाज को, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी जी पुष्पा जी, जैसा कि पुष्पा जी और महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के बारे में इतना भी हम कहें उतना ही कम है। एक्चुअल में आधुनिक जगत में यह बुनियादी क्रांति के महानायक हुए हैं, पुनर्जागरण युग के निर्माता हुए हैं महात्मा ज्योतिराव फुले साहब। भाजपा में राष्ट्रपिता की उपाधि हमारे महान ज्योतिराव फुले साहब को ही मिलना चाहिए। हालांकि हमारे बहुजन अनुयायी जितना उनको राष्ट्रपिता के नाम से ही संबोधित करता है, ऐसे महान राष्ट्रपिता को हम बार बार कोटि नमन करते हुए करते हैं। बाबा साहब ने अपनी 10 अक्टूबर 1946 को अपनी चर्चित रचना सूर्य कौन थे मैं महात्मा ज्योतिराव फुले के साहब के बारे में समर्पित कहा है कि अगर इस धरती पर महात्मा फुले जन्म नहीं लेते तो अम्बेडकर का भी निर्माण नहीं होता। मतलब बाबा साहब ने उनके बारे में इतनी बड़ी उपाधि दी है, यदि वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। तो इससे ही ज्ञात होता है कि हमारे ज्योति पुंज पुनर्जागरण के युग निर्माता महात्मा ज्योतिराव फुले कितने महान थे। उन्होंने मतलब इस क्रांति को आगे बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा को, क्योंकि हमारी जो दुर्गति हुई है शिक्षा के अभाव में हुई है, इसलिए उन्होंने शिक्षा को प्रारंभ किया। इनका वास्तव में जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और जिसे पेशवा ने, इनका ऐसा परिवार था जिसे पेशवा ने 36 एकड़ जमीन दान में दी थी। ऐसे संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यह छोटे से ही पढ़ने के शौकीन थे। एक बार अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में यह शादी में शामिल हो जाते हैं, तब देखते हैं कि उस शादी में जाते हैं तो वहां आकर के देख के कहते हैं लोग बाग, एक शुद्ध होते हुए भी तुमने हम लोगों के साथ चलने की कैसे हिमाकत की, यह कहकर ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया और मतलब तरह तरह का उनको अपमान सहना पड़ा। तरह तरह का अपमान सहने के बाद उनके साथ सामने ऐसी घटना घटित हुई तो वो उद्वेलित हो चुके कि मेरे कोई इसमें मेरा दोष भी नहीं है और मुझे फिर भी प्रताड़ित किया जा रहा, मुझे फिर भी ये अपमानित कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तभी उन्होंने कहा था कि शिक्षा के अभाव में बुद्धि का ह्रास हुआ है। वास्तव में जब देखते हैं कि उनके घर पे भी उनके पिताजी भी विरोध करते हैं, जब तो उनके साथ वैसे ही गलत हुआ था और पिताजी भी विरोध करते तो उनको लगा कि शिक्षा हम में और मेरे पिताजी की सोच में अंतर क्यों, क्योंकि मेरे पिताजी अशिक्षित हैं और मैं शिक्षित हूँ। जब मैं शिक्षित हो गया हूँ, मेरे पिताजी अशिक्षित रहे हैं, इसलिए मेरी सोच और मेरे पिताजी की सोच में अंतर आया है। तो उन्होंने शिक्षा पर बल दिया, इसीलिए उन्होंने 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय को खोला और उसमें बालिकाओं को प्रवेश दिलाया, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कि बालिकाएं पढ़ें। और उन्होंने ज्योतिराव फुले साहब ने अपनी कल्टीवेटर ब्लैकबोर्ड की प्रस्ताव में लिखा था कि शिक्षा के अभाव में बुद्धि का ह्रास हुआ, बुद्धि के अभाव में नैतिकता की अवनति हुई, नैतिकता के अभाव में प्रगति अवरुद्ध हो गई, प्रगति के अभाव में संपत्ति लुप्त हो गई, संपत्ति के अभाव में शुद्ध मिट गए, सारी विपत्तियों का आविर्भाव निरक्षरता से हुआ है। मतलब ज्योतिराव फुले साहब ने, महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव साहब ने शिक्षा को ही सभी जड़, सभी समस्याओं की जड़ माना है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा को ही प्रथम हथियार बनाया है। उन्होंने नारी शिक्षा को, शूद्रों की शिक्षा को उपलब्ध कराया, उन्होंने डटकर मुकाबला किया, हमेशा वो
पाखंडवाद, आडम्बरवाद, छुआछूत, इन सबके विरोध में लड़े, हमेशा पाखंडवाद के विरोध में लड़े। और ज्योतिबा फूले ने आगे चलकर विधवा विवाह, अनाथ बच्चों को गोद लेना, दहेज प्रथा, बाल विवाह रोकना, छुआछूत के खिलाफ लड़ना, पिछड़ी जातियों आदियों के लिए संघर्ष करना, कई तरह के मानवीय कार्य किए, किसानों के लिए संघर्ष करना, शिवाजी महाराज का नया इतिहास का लेखन भी किया, तरह तरह के उन्होंने मतलब मानवीय मूल्यों के लिए लड़े, समता मूलक की लड़ाई लड़े। उन्होंने आगे सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था कि अपने लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे जगह जगह से उनको प्रोत्साहित किया जाए, कैसे हम उनको मानवीय मूल्यों पे अवधारित करें। और उन्होंने मानवीय मूल्यों के काम के लिए पूरे जागृति उत्पन्न की। उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक को भी लिखा, उदारवादी पीड़ित लोगों को उन्होंने समर्पित की अपनी गुलामगिरी को। और महात्मा ज्योतिबाराव फुले ने मतलब क्रांति बहुत विशाल क्रांति की उन्होंने। मतलब ये कहें कि योग निर्माता एक नए युग का निर्माण किया। जी राजेश जी, और ज्योतिराव फुले जी के साथ में उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले, उनका भी काफी नाम आता है। ये माना जाता है कि उन्होंने उनको कंधे से कंधे मिला के सहयोग दिया था। उनका किस तरह का सहयोग रहा था समाज को? हाँ जी जी पुष्पा जी, जैसा कि पुष्पा जी यदि ज्योतिराव फुले साहब का नाम लेते हैं और उनके साथ माँ सावित्री बाई का नाम नहीं आता है तो इतिहास के साथ वास्तव में बहुत बड़ी क्षति का वो कहेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अमूल्य योगदान रहा है। हमारे ज्योतिबा फूले दंपत्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सावित्री बाई फूले वैसे तो जन्म से ही माँ दबंग थी, निडर थी, निर्भीक थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को दक्षिण महाराज के सतारा जिले में हुआ, सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। और वो बचपन से नटखट होनहार, निर्भीक, निडर, गंभीर रही है। एक बार की बात है, एक बार जंगल से लौटते वक्त वो एक बाग में देखती है कि सावित्री बाई ने देखा कि पेड़ पर बने एक घोंसले में कुछ पक्षियों के अंडे रखे हुए थे। उन अंडों को खाने के लिए सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। सावित्री बाई ने जैसे ही देखा तो तुरंत एक बड़ा सा पत्थर का ढेला उठाया और निशाना साधकर सांप पर दे मारा। सांप ने पलटवार कर दिया तो जो और बच्चे खेल रहे थे वो तो दे भागे, वहां से भाग गए और बड़े बुजुर्गों को ले आए। लेकिन सावित्री बाई ने वहां कोई हिम्मत नहीं आ रही और जाकर के पेड़ की टहनी को पकड़ा और पेड़ की टहनी से बार बार सांप से बार किया और कहने लगी, बदमाश अंडे खाएगा, ले डंडे खा, ले एक और एक और। ऐसी निडर सांप को दिखाया बचपन से ही। वास्तव में माँ सावित्री बाई बचपन से ही निडर होने के का उनका ये अंजाम हुआ कि ज्योतिबाराव फुले साहब का साथ में उनकी शादी हुई। तो शादी के बाद भी उनने बहुत संघर्ष किया। जब वो 1840 में दो महान शक्तियों का दोनों महान शक्तियों की शादी हुई और सावित्री बाई को महात्मा ज्योतिबाराव फुले साहब ने पढ़ाया। पढ़ाई के बाद सावित्री बाई ने महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्कूल में पढ़ाने का कार्य किया। लेकिन जब माँ सावित्री बाई फुले पढ़ाने जाया करती थी तो वहाँ की औरतें तरह तरह की भक्तियां करती थी, ढेला उठा के मारा करती थी, मेला गोबर ये सब मारा करती थी और उनको तरह तरह से जलील किया करती थी। फिर भी हमारी माँ सावित्री बाई कभी लज्जित नहीं होती थी और उल्टा उनका साहस बढ़ता। वो समझती कि है हमारे लिए पत्थर है जो इस फूलों की बरसात कर रहे हैं, हमारा साहस को बढ़ा रही है। और वो दुगनी ऊर्जा शक्ति के साथ संकल्प लेती है कि अभी तो मैं एक टाइम पढ़ाया करती थी, अब मैं दो दो टाइम पढ़ाया करूंगी। ऐसी हमारी माँ सावित्री बाई रही है। उन्होंने ऐसी निडरता के साथ शिक्षा को उपलब्ध कराया। इस शिक्षा को निडरता के साथ उपलब्ध कराने के लिए ब्राह्मणवादी एक्चुअल में विचलित हो चुके और ठीक उठे कि अनर्थ और अनर्थ, अब तो लड़कियां भी पढ़ेंगी और बेबी शूद्रों की लड़कियां ब्राह्मणों के साथ, अरे कोई देखो शूद्री को या तो साफ मुक्त काम करने चली है। तो ऐसे ब्राह्मणवादियों ने तरह तरह का लांछन और प्रोत्साहित किया लोगों को, उनको
उनके ससुर बाबा मतलब महात्मा ज्योतिबाराव फुले साहब के पिताजी गोविंद राव को भड़काया। जब उनको भड़काया तो उन्होंने अपने लड़का और बहू को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तब भी यह दंपत्ति विचलित नहीं हुआ, न हिम्मत हारी। उस हिम्मत न हारने का उन्होंने हमेशा साहस जुटाया और हमेशा कार्य किया। एक बार की बात है कि एक बार ब्राह्मणवादियों के उसमें आकर के एक लंपट ब्राह्मण युवक सावित्री बाई पर हत्या करने लगा और सामने आकर माँ सावित्री बाई से बोला जाते हुए कि खबरदार, अगर तुमने अतीतों और महिलाओं को पढ़ाया तो। पहले तो माँ सावित्री बाई फूले सहम गई, लेकिन तुरंत ही माँ सावित्री बाई ने कहा जाओ भैया अपना काम करो, क्यों मेरा समय खराब करते हो। इस पर वह अटा गया और बोला कि तरह तरह का उनको तंग कसने लगा। तब माँ सावित्री बाई ने एकाएक गुंडे का ग्रेवान पकड़ा और उसके गाल पर चार पांच रमाद लगा दिए और उस चार पांच झापड़ लगा करके उसको दूर ढकेल दिया। फिर वो उसने चुल्लू लगाई भाग गया। फूले मतलब ये कहना चाहिए कि माँ सावित्री बाई ने बचपन से साहस को दिखाया और अपने पढ़ाई अपने पढ़ाने के दौरान भी साहस को दिखाती रही। फूले दंपत्ति ने ब्राह्मणी पाखंडों के प्रबल विरोधी थे, दोनों प्रबल विरोधी रहे हैं। उन्होंने पाखंडवाद का हमेशा विरोध किया है। पूजा प्रार्थना इसके लिए उन्होंने कहा है, माँ सावित्री बाई ने लोगों से पूजा करते थे ज्योतिबा फूले साहब, क्या पूजा प्रार्थना किसके लिए, क्या ईश्वर तुम्हारी भाषा में की गई प्रार्थना को समझ लेगा। माँ सावित्री बाई ने भी ईश्वरवाद पाखंडवाद आत्मावाद परमात्मावाद अवतरवाद को बिल्कुल ठुकरा दिया था। ये सबको ब्राह्मणों द्वारा बहुजन समाज के शोषण का माध्यम मानते थे। उनका ब्राह्मणों की मूर्ति पूजा या श्राद्ध आदि संस्कारों पर भी कोई विश्वास नहीं था। फूले दंपत्ति हमेशा वेद वेदांतों के भी प्रबल विरोधी रहे हैं। माँ सावित्री बाई ने तो फूले का मत था कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का समूल नाश करना यदि अधर्म है, मतलब कहा है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का समूल नाश करना यदि अधर्म है तो यह अधर्म हमें बार बार करना होगा। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित सभी देवी देवता काल्पनिक और झूठे हैं। इनकी स्थापना केवल ब्राह्मणों का पेट भरने और हमें गुलाम बनाने के लिए की गई है, इसलिए उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। और उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके तो हमें इन देवी देवताओं से मुक्ति पाकर अपनी स्वयं की शक्ति पर भरोसा करना सीखना होगा। यदि हम अपने पर भरोसा करना नहीं सीखते हैं तो हम इस आडम्बर पाखंडवाद में और प्रताड़ित होते रहेंगे, क्योंकि हमारी असली गुलामी की जड़ ये पाखंडवाद और आडम्बरवाद मूर्ति पूजा पाखंडवाद है। तो कहने का कि माँ सावित्री बाई ने पूर्ण संघर्ष किया, इतना उन्होंने मतलब जगह जगह संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबाराव फूले साहब के वारसाना रूप में, जैसे महात्मा ज्योतिबाराव साहब फूले पहले परिनिर्माण हो गया था माँ सावित्री बाई के बाद में, तो उसके बाद में माँ सावित्री बाई ने भी मतलब अकाल पड़ा था एक बार, उन्होंने की मानवीयता के लिए जगह जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उन जगह जगह सेवाएं देने के कारण ही माँ सावित्री बाई फूले मतलब बीमार पड़ गई और इस दुनिया को मतलब 10-5-18 को दुनिया छोड़ दी थी। उन्होंने कहा करती थी कि उन्होंने कहा है अंग्रेजों के बारे में भी कहा है और इन्हों के बारे में कहा है अंग्रेजों से लड़ाई के बारे में कि 2000 वर्षों से ऊंची जाति के लोगों ने सुगति शुद्धों को ज्ञान संपत्ति तथा सत्ता से वंचित रखा है, इसके कारण विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण करके इन ऊंची जातियों को परास्त किया। ऐसा भी नहीं कि हमने विदेशियों का साथ दिया, हम केवल देखते रहे यही सही है, किंतु क्या इसके लिए ऊंची जाति के लोग जिम्मेदार नहीं है। मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन विदेशियों के साथ बड़े ही अहंकार से लड़ते थे, वे हमें पूछते भी नहीं थे। ज्ञान संपत्ति और सत्ता के नशे में उन्मत्त इन्हीं हमारे शत्रुओं को विदेशियों ने चारों खाने सिद्ध कर लिया। बार बार होने वाली हारों के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। हम शूद्र अति शूद्र इस पराजय के लिए कदापि जिम्मेदार नहीं है, यह कहने का साहस मुझे शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हुआ। मतलब माँ सावित्री बाई ने कहा है कि हमको जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो भी साहस प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। यदि हमारे बीच में शिक्षा नहीं होगी तो हम साहस नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए कहा भी हमारे बाबा साहब ने भी कहा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा हुआ उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हमारे लोगों को सर्वप्रथम शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। यह हमारी माँ सावित्री बाई फूले ने ज्योतिबाराव फूले साहब ने क्रांति की, जिसकी क्रांति का आज आगाज ये हुआ कि हम कुछ लोग शिक्षित हो चुके लेकिन
आज फिर से विकट परिस्थिति ये होने जा रही है कि असमानता वाली शिक्षा पद्धति लागू हो चुकी है। मतलब प्राइवेट स्कूल में एक तरफ, कॉन्वेंट स्कूल में अलग शिक्षा प्रणाली है और सरकारी स्कूल में एक तरफ अलग शिक्षा प्रणाली है। जब तक हमारे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी तब तक समता की बात करना बेमानी होगा। जी पुष्पा जी। जी राजेश जी। राजेश जी इसी तरह अगर आगे चले तो बहुत सारे और भी महापुरुष हुए हैं। एक और महान क्रांतिकारी छत्रपति साहू जी महाराज है। कौन है, ऐसा कोई नहीं होगा जो छत्रपति साहू जी महाराज को नहीं जानता होगा। इनका भी योगदान बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहा है। तो इनके रेवोल्यूशन के बारे में, छत्रपति साहू जी महाराज जी के क्रांतिकारी कार्यों के बारे में भी जरूर बताएं। हाँ जी जी पप्पा जी, जैसे कि ये बात सही है कि हमारे समाज में तरह तरह के हमारे बहुजन महापुरुषों ने कार्य किए और जागृति पहुंचाई। उस जागृति में हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का नाम भी आता है। छत्रपति साहू जी महाराज भी मतलब आडम्बर पाखंडवाद के विरोधी रहे। उनका जन्म महाराज कोल्हापुर रियासत के साना शासक माननीय अप्पा साहब राजके के पुत्र के रूप में 26 जून 1774 को कुर्मी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ये मेधावी एवं कुशाग्र बुद्धि के शांति प्रिय तथा दयावान हुआ करते थे। बचपन में वे यशवंत राव के नाम से जाने जाते थे। 12 वर्ष की अल्पायु में ही राजपाट संभालने की हमारे छत्रपति साहू जी महाराज को जिम्मेदारी प्राप्त हुई। जब उन्होंने राज्य की बागडोर को संभाला उस समय चारों ओर ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उनके राज्य में 100 मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। तो साहू जी महाराज ने देखा अपने राज्य में ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व कम कैसे किया जाए, बहुजन जातियों को प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए। तब छत्रपति साहू जी महाराज जी ने जिस समय गद्दी पर बैठे उस समय समाज की दशा कई दृष्टियों से सोचनी देखी और जाति पाति ऊंच नीच युवा छूत मानव अधिकार क्योंकि असमानता निर्धन कृषकों मजदूरों की दीनहीन स्थिति पाखंडवाद परिहरण पद्धति वर्ण व्यवस्था घोर तांडव अतः जनता को उबरने नहीं दे रहा था। उस व्यवस्था को देख के छत्रपति साहू जी महाराज ने मतलब अकाट से निर्णय किया कि हम इस व्यवस्था के विरोध में कार्य करेंगे और वर्ण व्यवस्था की जो स्वतः स्थिति देखी उन्होंने कि शूद्र जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं था उसकी दशा बहुत ही दयनीय है। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए सत्स्वरूप समाज जो ज्योतिबा फुले साहब ने स्थापित किया था उसका कार्य किया और उन्होंने महाराष्ट्र में उस तरह ब्राह्मणों की संख्या 5% हुआ करती थी लेकिन शासन में उनके यहाँ 100% हुआ करती थी। उसको कम करने के लिए एवं बहुजन प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राजनीति सरकारी नौकरी धर्म सभी जगह प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने अपने राज्य से ही कार्य को चालू किया। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण शिक्षा पर अपना एक अधिकार बनाए हुए है, गैर ब्राह्मणों को शिक्षा पाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। तो उन्होंने अपने बहुजन महापुरुष बहुजन लोगों को शूद्र समाज को शिक्षा के द्वार खोले। शिक्षित शिक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए ज्योतिबा फुले साहब के मार्ग को अपनाया और प्रेरणा को लिया, उस प्रेरणा को जगह जगह जन जन में पहुंचाया। उसी कड़ी के तहत छत्रपति साहू जी महाराज ने सावधानी एवं बुद्धिमानी से काम लिया और जनमत तैयार किया। दृढ़ता पूर्वक उन्होंने 26 जुलाई 1902 में अपने जन्मदिन के टाइम पे उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र में ही आरक्षण की घोषणा की प्रतिनिधित्व के लिए कि 50% शूद्रों के लिए प्रतिनिधित्व का आरक्षण घोषित किया जाता है ताकि उसके माध्यम से हमारे लोग पढ़ लिख सकें और शासन प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व पा सकें। जब तक उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा वो अपने नैतिक और भौतिक विकास कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जगह जगह निःशुल्क शिक्षा की पुस्तकें प्रस्तुत की, भोजन की व्यवस्था की ताकि हमारे लोग भूखो ना मरें और भूख के कारण हमारे बच्चे ऐसा नहीं कि बचपन से ही वो श्रम में लग जाते हैं वो पढ़ सके। तो उन्होंने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, पुस्तकों की व्यवस्था की, पुस्तकालयों से की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और उस छात्रवृत्ति के कारण ये हुआ
कि हमारे बाबा साहब विश्वरत्न बाबा साहब बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए विदेश चले गए, इसलिए उनका एक अमूल्य योगदान रहता है। और उन्होंने कहा है जब बाबा साहब विदेश से आते हैं, साहू जी महाराज ने कहा था कि बाबा साहब को एक हमको योग्य व्यक्ति प्राप्त हो गया है जो इस समाज का दुख दर्द दूर कर सकता है। वो अम्बेडकर साहब पे उन्होंने भरोसा जताया और उन्होंने मानवीकार जगह जगह करवाए, उन्होंने तालाब खुदवाए, कुएं खुदवाए, सस्ता अनाज उपलब्ध कराया। मतलब उनके संबंध में जितना भी प्रचार बताया जाए उतना ही कम है। 1920 में उन्होंने हिंदू संहिता बनाकर कानून में एक नया कानून लागू किया और बाबा साहब ने हिंदू पोर्टल की स्थापना उसी से की थी। जी पुष्पा जी। जी राजेश जी। राजेश जी, इसी तरह से और भी आपसे जानकारी हम चाहते थे, पर समय हमारा समाप्ति की ओर है, तो कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर आप हमारे साथ रूबरू हो और हमारे श्रोताओं को और जानकारी उपलब्ध कराएं। फिलहाल तो हमारा समय समाप्त हो चुका है, बस रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के साथ आप जुड़े और अपने हमारे श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाइए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रोताओं, आप सुन रहे थे राजेश कुमार जी को। इसके अलावा देश में बहुत सारे बहुनायक हुए हैं, पन्ना दाई, झलकारी बाई, काट के बाबा बिरसा मुंडा, टाटिया भीमसर, छोटू राम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काशीराम, दीना भामा, बहुत सारे और भी बहुजन मूल नायक रहे हैं जिनके बारे में जीवन परिचय में हम आपको फिर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल हम यही आपसे विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।